अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। अच्छा, आज मैं जो है रिसर्च सेंटर में आया हूँ और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो फिशेज़ हैं उस पर रिसर्च हो रही है और ये मैं आपको दिखाऊँ। अभी जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं उन्होंने पंगाशियस फिश की जो है वो ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और ये देखिए मैं आपको नज़र आ रही हूँ। तो अभी ये जो है तकरीबन ये पूछते हैं मेरे साथ जवाद है और ये यहाँ को लीड कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये बंगश को किस तरह पाल रहे हैं, यानी बायोफ्लॉक कर रहे हैं या फ्रेश वाटर में फार्मिंग कर रहे हैं। तो आए इनसे पूछते हैं। अच्छा जवाद, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये जवाद है, जवाद जी क्या हो रहा है, कैसे फार्मिंग हो रही है? डायरेक्ट फ्रेश वाटर हो रही है, इसमें कोई बायोफ्लॉक नहीं है। उसके टेम्परेचर वाटर के पैरामीटर्स को मेंटेन करते हैं और जो टेम्परेचर है वॉक मीटर के जरिए सब्जियों में मेंटेन करते हैं। बाकी ऐसा जिसमें कोई फ्लॉक नहीं डाला, जिसकी स्ट्रॉग इंटेंसिटी है वाटर के हिसाब से हमने दी है और उसमें ये सर्वाइव कर रहे हैं। अच्छा, यानी आप कह रहे हो कि फ्रेश वाटर में पानी रखा हुआ है और टोटल फ्रेश वाटर में कौन से पैरामीटर जो है वो कंट्रोल कर रहे हो, चेक कर रहे हैं? तो फ्रेश वाटर में वगैरह और वाटर सर्कुलेशन है, जनर एक से डेढ़ हफ्ते बाद वाटर सर्कुलेशन की पोजिशन देखते हैं उसमें क्या है, अगर डिस्पीस चेंज आ रहा होता है या कुछ टेम्परेचर या सैनिटी थोड़ी सी इंक्रीज होती है तो उसको एक्सचेंज कर देते हैं 20 से 30% ऑफ वाटर। चलो ये तो आपने बताया, ये एक बड़ी अच्छी रिसर्च है क्योंकि बंगस जो है वो हर साल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह जब इस पे रिसर्च होगी तो हम अपनी प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा करेंगे कि हमें बाहर से इंपोर्ट कराने की ज़रूरत ही नहीं और इंशाल्लाह हम एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे। चलें, एक दो सवाल और हैं वो इनसे पूछते हैं। अच्छा जवाब, ये जो माइक्रोस्कोप्स रखी हुई हैं इसका क्या काम है यहाँ पर? माइक्रोस्कोप में हम वाटर के सैंपल को टेस्ट करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, जो बैक्टीरिया अलग अलग होते हैं, ई कोलाई होता है, स्ट्रेप्टोकोकस होता है और एक दो होते हैं जिसको हम एग्जामिन करते हैं यहाँ से भी और दूसरी लैब से, तो हमें पता चल जाता है कि इसमें कौन से बैक्टीरिया है या कौन सा फंगस वगैरह अटैक हो रहा है। उसको हम माइक्रोस्कोप के जरिए और इंटरनेट के जरिए उसको स्पीशीज को आइडेंटिफाई करके उसको प्रिक्योर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, इन्होंने जो समंदर की फिश है, मीठे पानी की तो होती है फार्मिंग, लेकिन समंदर की जो फिश है उसकी भी इन्होंने फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये देखें, ये सी वाटर फिश है और क्या नाम है जवान इसका? क्या नाम है? टेराबोन जलगा। अच्छा, टेराबोन जलगा, ठीक है। और ये प्योर समंदर के पानी में ये पल रही है? समंदर के पानी। अच्छा, ये देखेंगे नाजिर, ये 0.75 इंच का है, ये अभी तकरीबन 1 सवा इंच 1 इंच। तो आपको क्या लगता है अगर समंदर की फिश की फार्मिंग करना चाहें तो हो सकती है? पॉसिबल है, यानी हाई डेंसिटी में जो है प्रॉफिटेबल बिजनेस है समंदर में। तो एक अरे वाह, ये देखें क्रैब्स में आपको 1 इंच के क्रैब थे, तकरीबन 3 इंच का हो चुके हैं। ओके, दूसरा क्रैब है ब्लू क्रैब, वो भी इसमें रखा हुआ है। और ये मड क्रैब है और वो ब्लू क्रैब है? नहीं, ये भी वो समंदर का ही है। अच्छा इसी तरह यहाँ दंदिया भी आप कह रहे थे कि अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कराची में भी इतनी ज़बरदस्त इतने बड़े पैमाने पे रिसर्च हो रही है और ये आप पूरा सिस्टम देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा जवाब, ये कौन सी फिश है? ये भी सी फूड है, समंदर की है या मीठे पानी की? अच्छा ये चीतल है। अच्छा, इसको हमसे सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, अग्रेसिव मछली है, ये एक्सपोर्ट में ज़्यादा जाती है। ये यानी ये खाने की फिश है या खाने की फिश है? ये मैंने मार्केट में देखी नहीं है। ये फिश है साफ की तरह होती है। ओके, अच्छा तो देखें ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इस पर काम हो रहा है। और ये क्या चीज़ है, ये बर्निया जो रखी हुई है, कोई टेस्टिंग का रखा हुआ है? किसी में एथेनॉल होता है, किसी में एसिड वगैरह प्रिजर्वेशन के लिए, ये सब हम रखते हैं इसको टेस्ट वगैरह करने के लिए। अच्छा अच्छा, सही। चले, और अच्छा देखा जाए तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी रिसर्च हो रही है लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो हम ये जल्द स्टूडेंट्स हैं, हम चाह रहे हैं कि इन्हें जो है प्रॉपर इस काम में लेकर आया जाए। ये देखें, ये ब्रीडिंग का प्रोसेस है।
क्योंकि ये जो जाल है यहाँ पे फिश की ब्रीड करवाई जाती है। जब फिश ब्रीड करती है यानी जब फिश जो है वो हैच करती है तो उसके यानी फिश जब अंडे देती है तो अंडे जो है जो जाल में डाले जाते हैं और इसमें जो है ये आगे से बॉल किया जाता है और पानी जो है सर्कुलेट करता रहता है यानी अंडे जो है वो मूव करते रहते हैं और एक हफ्ते बाद अंडों से बच्चे निकल जाते हैं और बच्चे निकलने के बाद इस ट्रे में आ जाते हैं जिसमें ट्रे में ला के फिर इसके बाद ये एक्वेरियम में शिफ्ट कर देते हैं या पॉन्ड में शिफ्ट कर देते हैं उसके बाद उन्हें फीडिंग कराई जाती है और जो है वो आगे अपनी ग्रोथ दे सकते हैं। चले इंशाल्लाह और भी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।